राम राम जी। आज आपका स्वागत है दादा जी के ढाबा में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ छिलके वाली मसूर की दाल। दाल तो हमारा अरहर का भी बहुत आप लोगों ने पसंद किया है, तो आज हम सोचे कि आपको एक नई रेसिपी और बताएं। ये भी दाल बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए, हमने 1 किलो दाल लिया है और धो के इसको कुकर में हमने बंद कर दिया। और देखिए, हमारा ये दाल अपने हिसाब से आप सीटी का ध्यान रखें। जैसे आप बनाते हैं, 2 सीटी में आपका दाल उबलता है, 3 सीटी में उबलता है, उसी तरह आप दाल को उबालें। और देखिए, हमने एक पतीला लिया है जिसमें हम फ्राई करेंगे, तो इसी में हमने ये 150-200 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो सरसों तेल भी डाल सकते हैं। और यहीं पर मैंने 4-5 पत्ता तेज़पात और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। ये दोनों जब तड़क जाएगा हम इसमें, तो इसमें हम 50 ग्राम हरी मिर्च कटा डाल देंगे। और जो भी हम आपको रेसिपी बताते हैं, ये 1/2 किलो प्याज बुरादा करके डाल दिए। जो भी रेसिपी पुरानी से पुरानी और नई से नई रेसिपी आपको हम बताते हैं, तो आप मेरी रेसिपी पर ध्यान दीजिएगा। और इसी पे हम डालते हैं, इसी में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 किलो टमाटर पिसा हुआ। तो हमारे हिसाब से अगर आप बनाइएगा हम जैसे बताते हैं। खाना तो तसल्ली का चीज़ है, आराम से बनाइएगा तो ही बनेगा। और एक बार उन्हीं से बनेगा, दूसरा बार एकदम सही बन जाएगा। ये हम लोग की प्रैक्टिस करते हैं और बराबर बनाते रहते, तब हम लोगों से बढ़िया बनता है। तो आप हमारे बातों पे और हमारे सामानों पे बिल्कुल ध्यान दें। वहीं पे हमने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 किलो दाल हमारा है, और यहीं पे हमने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और इसको हम बढ़िया से मिला देंगे सबको। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन दाल गरम मसाला डालने से बहुत टेस्टी हो जाता है। तो देखिए, हमारा दाल जो 1 किलो हमने दाल इसमें डाला था, इसमें डाल दिया है। और यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो और भैया, मैं आपको दाल की और भी 2-4 रेसिपी दाल की बची हुई, वो भी आपको मैं शीघ्र शीघ्र बना के दिखाऊंगा। और इसको रोटी पराठे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। उसी दिन मैं कुंदरू भी बनाया था, उसी दिन दाल बनाया था। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।